नमस्कार। हम अपने जीवन में जब भी किसी एक बेहतर कम्युनिकेटर से मिले हैं तो हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है, और ये प्रूव करता है कि कम्युनिकेटर होने पर हमारी एक बेहतर अध्यापक होने की क्षमता बढ़ जाती है, संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए एक बेहतर अध्यापक होने के लिए एक बेहतर कम्युनिकेटर होना एक प्राथमिकता के रूप में देखा जाता है। टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित प्रश्न जरूर देखा जाता है, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम इस कॉन्सेप्ट को 5 बहुत ही इजी स्टेप्स में करवाएंगे। इसके पश्चात चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल होगी जिस वीडियो में सिर्फ कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले पॉइंट में आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है कि हम साझा करते हैं क्या आइडिया जो हमारे आपसी उपयोग का होता है। इसका मतलब है कि हम शेयरिंग ऑफ आइडियाज विद विद मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। दूसरा बिंदु, सेकेंड थिंग, तो ये फर्स्ट थी। सेकेंड, आपको ये समझना है कि बेसिकली ये कम्युनिकेशन काम कैसे करता है। इसमें एक होता है सेंडर, दूसरा होता है मीडियम, और फिर होता है मैसेज, और लास्ट में होता है रिसीवर। इसका अर्थ है कि एक होता है एनकोडर, एनकोडर यानी कि जो कि किसी मैसेज को एनकोड करता है, भेजने वाला। एक होता है चैनल, जिस चैनल के थ्रू भेजा जाता है इसे कहते हैं माध्यम। फिर होता है मैसेज, मैसेज का अर्थ हुआ हमने जो सिग्नल भेजा। तो जो हम सिग्नल भेजना चाह रहे हैं वो हमारा मैसेज हुआ। रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, जो कि उस मैसेज को डीकोड करता है। अगर मैं चाइनीज लैंग्वेज में एक अमेरिकन से बात करूं जिसे चाइनीज नहीं आती, तो वो डीकोड नहीं कर पाएगा। तो मैंने एनकोडिंग ठीक की है, मैंने जब भाषा का इस्तेमाल किया तो जो बोला वो है मैसेज, और मैंने वर्बल चैनल का इस्तेमाल किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे आते हैं थर्ड बिंदु पे। इसमें होता है एक नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये कितने प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है व्हील यानी कि चक्र के प्रकार का। तो चक्र के प्रकार का आप याद रख सकते हैं, इसमें आपकी जो क्लासरूम होती है, आपकी क्लासरूम में चक्रीय होता है डिस्कशन, क्योंकि गोल गोल होता है और हर किसी को वहां पे कहने का मौका मिलता है, या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसमें चक्रीय होता है। और फिर ये लोग क्लास से बाहर जाते हैं और दूसरे लोगों को इस कम्युनिकेशन से जोड़ते हैं। दूसरा होता है स्टार के रूप में। ये जो स्टार होता है, जैसे कि मम्मी आंटी जो आपके मोहल्ले और क्षेत्र में जो गॉसिप्स करते हैं, वो क्या होते हैं, एक व्यक्ति से मैसेज दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे, उससे चौथे, उससे पांचवे, तो एक स्टार के रूप में होता है। और लास्ट होता है लीनियर, जो कि चेन के रूप में होता है। ये कैसा होगा, जैसे एक हायरार्की में प्रिंसिपल ने इंचार्ज को, इंचार्ज ने क्लास टीचर को, क्लास टीचर ने बच्चों को जो इंफॉर्मेशन दी, इसमें एक ऊपर से नीचे एक चेन बनती आ रही है। और ये इसके अंतर्गत जो पाया जाता है नेटवर्क, या तो होगा इनफॉर्मल, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने टीचर को कहा लेकिन लिख करके कुछ नहीं दिया, तो इनफॉर्मल है, और फॉर्मल यानी लिखित रूप से एक मेमो पकड़ा दिया, फॉर्मल है। ये फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है,
एक तो होता है स्पीकिंग के रूप में, स्पीकिंग है तो दूसरी साइड क्या होगा, दूसरी साइड होगा लिसनिंग, यहां पे दूसरा होगा विजुअल यानी देखना, तो दूसरी तरफ क्या होगा ऑब्जर्वेशन, तीसरा होगा रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन तीन रूपों में, इन दो क्लासिफिकेशंस के अंदर इस नेटवर्क पे काम करता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क को तीन भागों में बांटा जाता है, व्हील, स्टार और चेन, जो कि दो रूप में, वर्गों में बांटा गया है, इनफॉर्मल या फॉर्मल, और जो के तीन रूप हो सकते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, विजुअल ऑब्जर्वेशन और रीडिंग राइटिंग। इसके अलावा भी हो सकता है, पर यही तीन है जिनको कि ज्यादातर थियोरिस्ट ने बांटा है। इसके बाद आते हैं हम चौथे बिंदु पे। चौथा बिंदु है बैरियर्स। कम्युनिकेशन में कौन से बैरियर होते हैं? सबसे पहला जो बैरियर होता है वो होता है नॉइज, यानी कक्षा या कक्षा के बाहर जो आवाजें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो शोर होता है वो आपका ध्यान बांटता है और संचार रुकता है। तो शोर याद रखेंगे आप। दूसरा जो होता है वो है एटीट्यूड, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उसका जो एटीट्यूड है वो। और तीसरा होता है इनएप्रोप्रिएट। यूज ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत बार इनएप्रोप्रिएट होता है, टीचर या तो तैयार नहीं है जो बात कही गई उसके लिए, उसे प्लान नहीं किया गया, या फिर जो माध्यम यूज किया गया वो सही नहीं था। तो ये बैरियर्स होते हैं। पांचवा बिंदु, हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। तो जो एक टीचर है, कोई भी एक अध्यापक बेहतर संप्रेषणात्मक कौशल का विकास कैसे करेगा? इसके लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, ओपन अप। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है बिल्कुल इसी रूप में कि ओपन अप, प्रश्नों के लिए तैयार रह करके। सेकेंड, उद्देश्य को क्लियर करना। तो पहले ही क्लियर कर दीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे। थर्ड, ह्यूमर, हास्य। डी, ड्रामेटाइजेशन। ई, प्रोजेक्शन, अपनी बात को आपको किस तरीके से रखना है। एफ, एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज कीजिए। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशंस, यानी व्याख्यान के साथ एग्जाम्पल्स देना। फीडबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समय समय पर आपको प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। ये प्रतिपुष्टि आपको बच्चे से मिलनी चाहिए, आपको बच्चे को देनी चाहिए। तो एक बेहतर कम्युनिकेटर होना कोई एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, बल्कि इसे इनहेरिट किया जाता है। आप इसे इनहेरिट कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज को बेहतर करके, दूसरों को ऑब्जर्व करके, उसको अपना करके, बार बार गलतियां करके,
बच्चों को मौका देकर के अपने आप को खुला रखिए चैलेंजेस के लिए भी और दूसरों से आने वाली क्रिटिसिज्म के लिए भी। इस तरीके से आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको लेकर के एक क्वेश्चनेयर तैयार किया गया है। ये क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकें। थैंक यू सो मच।